एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन रिटर्निंग एरे। प्रीवियस केस में जस्ट मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया था। इस केस में सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया M1 और M1 के अंदर क्रिएट क्या किया, स्टैटिक टाइप ऑफ इंटीजर एरे विद साइज 3। प्लस इस एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने फाउंड हुए, 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3। रिटर्न क्या हो रहा है इसे, एड्रेस ऑफ गिवन एरे। नेक्स्ट वन, इस फंक्शन M1 को कॉल करा है इनसाइड बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर आप ऑलरेडी श्योर इस M1 से रिटर्न किया हुआ इंटीजर टाइप का एड्रेस और इंटीजर एरे का एड्रेस। एरे का एड्रेस स्टोर कराने के लिए रिक्वायर किया हुआ पॉइंटर्स लिए मैंने, इसका रिजल्ट किस में साइन किया, पॉइंटर वेरिएबल P। देन इस लूप के हेल्प से जस्ट डिस्प्ले किया गया है एलिमेंट ऑफ गिवन एरे। क्लियर। नेक्स्ट वन, जस्ट इसका डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा मैं। देन इसके इसमें चेक करें व्हाट इज द प्रॉब्लम विद गिवन एग्जांपल। क्लियर। एंड जस्ट प्रॉब्लम हाईलाइट करूंगा एंड ऑफ दैट सेशन। फर्स्ट वन, जस्ट एग्जीक्यूशन देखा जाए तो नॉर्मल केस में एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, लेकिन मेन से भी जस्ट पहले परफॉर्म क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑल लोकल वेरिएबल ऑफ द प्रोग्राम, ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स। इस केस में टोटल स्टैटिक वेरिएबल्स कितने, ओनली सिंगल स्टैटिक वेरिएबल ए, और ए इटसेल्फ क्या है, एरे। प्लस एरे के केस में या स्टैटिक स्टोरेज क्लास के रिस्पेक्ट में एरे के लिए मेमोरी किस प्लेस पर एलोकेट होगा, इनसाइड स्टैक एरिया और इनसाइड डेटा एरिया, इनसाइड डेटा एरिया। तो प्रोग्राम के केस में एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में जस्ट सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ, मेमोरी एलोकेशन फॉर एरे ए। प्लस एरे इटसेल्फ क्रिएट क्या हुआ, इनसाइड डेटा एरिया विद एलिमेंट 3। अगर इसका एड्रेस 100 है या 1000, तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 1000 to 1004। इनिशियल वैल्यूज इज 1, 2, 3। प्लस इस कंप्लीट ब्लॉक का नेम क्या है, सिंपली ए। इस लोकेशन का नेम क्या हो जाएगा, *100, *1000, *1002, *1004। क्लियर। नेक्स्ट वन, एरे का एलोकेशन परफॉर्म होने के जस्ट बाद सेकंड केस में कॉलिंग किसके लिए हुआ, मेन फंक्शन के लिए। मेन फंक्शन के अंदर जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल एंटर हुआ, देन मेन के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या कराएंगे, मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ द मेन। प्लस लोकल वेरिएबल किस प्लेस पर क्रिएट होंगे, इनसाइड स्टैक एरिया। स्टैक के अंदर 2 2 बाइट्स के ब्लॉक्स क्रिएट कराओ इसके इसमें। अगर इस प्लेस का एड्रेस 100 है, देन नेक्स्ट प्लेस का एड्रेस क्या हो, 98, 96 एंड सो ऑन। देन सबसे पहले कॉलिंग किसके लिए हो रहा है, मेन फंक्शन के लिए। मेन फंक्शन लोड कराओ टॉप ऑफ द स्टैक, या मेन फंक्शन स्टैक के टॉप पोजीशन में लोड कराओ। देन मेमोरी किसके लिए एलोकेट होगा, लोकल वेरिएबल। इस मेन फंक्शन के अंदर टोटल लोकल वेरिएबल्स कितने हैं, देयर आर 2 लोकल वेरिएबल्स, पॉइंटर पी एंड आई। फाइनली एलोकेशन भी किसके लिए होगा, पी एंड आई। दिस इज द लोकल वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट वन, मेन के रिस्पेक्ट में जस्ट सेकेंड और नेक्स्ट स्टेटमेंट में जस्ट कॉल क्या हो रहा है, फंक्शन M1। जैसे ही फंक्शन M1 कॉल होगा तो कंट्रोल सेंड करेंगे हेडर ऑफ द M1। इमीडिएटली स्टैक के टॉप में लोडिंग किसके लिए हुआ, फंक्शन M1। लेकिन M1 के रिस्पेक्ट में एरे ए ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट वन, देन इसके जस्ट बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट क्या हुआ, 4 के बाद इसे था फिफ्थ टर्म। सिक्स्थ केस में डायरेक्टली रिटर्न क्या हो रहा है, ए, और ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, इसे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज 1000 अकॉर्डिंग टू डायग्राम। नेक्स्ट मीन्स कॉलिंग प्लेस पर जस्ट रिटर्न क्या हुआ, एड्रेस, एड्रेस क्या 1000। देन सिक्स के बाद इसे था सेवंथ केस, इस प्लेस पर कॉलिंग प्लेस पर जस्ट रिप्लेस कराएंगे M1 के प्लेस पर, रिप्लेस किया 1000 आसान हुआ इनसाइड पॉइंटर वेरिएबल P। देन इमीडिएटली पॉइंटर 1000 लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। प्लस इस केस में एक और लोकेशन क्रिएट होगा, स्टार पी। कितने बाइट्स का नेम होगा, ओनली 2 बाइट्स, क्योंकि पॉइंटर का टाइप क्या है, इंटीजर पॉइंटर, और इंटीजर टाइप के पॉइंटर्स के थ्रू एट ए टाइम ओनली 2 बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल है, लेकिन रिमेनिंग बाइट्स पॉइंटर इंक्रीमेंट ऑपरेशंस के थ्रू है, एरे के थ्रू एक्सेस करना पॉसिबल है। चेक करेंगे जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट फिफ्थ केस में जस्ट परफॉर्म क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन इन आई। आई में इनिशियलाइजेशन हुआ, देन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। वन मोर थिंग्स, कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर आ चुका, देन परफॉर्म क्या हुआ, डी एलोकेशन फॉर M1। M1 तो डी एलोकेट हो चुका, लेकिन एरे अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक। पर इस केस में आप स्टैटिक स्टोरेज क्लास अप्लाई नहीं करते, देन M1 के साथ साथ परफॉर्म क्या होता है, डी एलोकेशन फॉर दैट एरे, क्योंकि उस केस में एरे का क्रिएट होता है इनसाइड स्टैक एरिया। लेकिन इस केस में एरे के लिए कोई डी एलोकेशन परफॉर्म नहीं हुआ, इसलिए आपके लिए एरे सक्सेसफुली एक्सेस करना पॉसिबल है। अगर आप सेम प्रोग्राम विदाउट स्टैटिक एग्जीक्यूट कराओ, देन इस केस में रिजल्ट्स कैसे आएंगे, सम गार्बेज वैल्यू और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। देन नेक्स्ट केस में परफॉर्म क्या हुआ, कंडीशन टेस्टिंग, और कंडीशन में क्या है, जस्ट आई लेस देन 3। और आई के केस में करंटली आई का वैल्यू कैसा हुआ, 0। देयरफॉर वी आर कंपेयरिंग 0 < 3, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है, देन इस केस में डिस्प्ले क्या होगा, देन इस केस में चांस किसको मिलेगा, बॉडी ऑफ फॉर लूप।
फॉर लूप के अंदर प्रिंट एफ में पास किया पी ऑफ आई, देन पी ऑफ आई के प्लेस पर चेक करते हैं पी ऑफ आई का रिप्लेसमेंट किससे हुआ। जस्ट स्टेटमेंट प्रोसेस किस फॉर्म हुआ, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर एक्सप्रेशन लाइक अ पी प्लस आई। पी प्लस आई के केस में पी के प्लेस पर क्या आएगा, पी का वैल्यू विच इज 1000 प्लस आई के प्लेस पर आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू क्या है 0, देन इसका मीनिंग क्या हुआ स्टार 1000। स्टार 1000 में से स्टार जब 1000 एड्रेस के लिए अप्लाई करता है रिटर्न क्या करेगा वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस, इस एड्रेस में वैल्यू का फंड हो रहा 1। फाइनली इसे एक्सप्रेशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा फर्स्ट टाइम वैल्यू एज 1, इसलिए प्रिंट एफ के थ्रू आउटपुट में भी क्या प्रिंट हुआ रिजल्ट एज 1 इन फर्स्ट एग्जीक्यूशन। सेकेंड केस, इसके जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद अगेन कंडीशन टेस्टिंग, नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट करो तो कंडीशन में आई के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आई का करंट वैल्यू 1, क्योंकि आई में फाउंड क्या हो रहा 1। अगेन कंडीशन इज ट्रू, अगेन कंडीशन ट्रू देन फिर से बॉडी एग्जीक्यूट हुआ नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम, क्लियर। सेकेंड टाइम अगेन फिर से डिस्प्ले करा वैल्यू ऑफ पी ऑफ आई, लेकिन इस बार आई का वैल्यू क्या है वैल्यू ऑफ आई इज 1, देन आई के प्लेस पर क्या पुट करोगे जस्ट 1। इंक्रीमेंट कितने से होगा इस केस में 1 से, 1000 में 1 से एडिशन कराओ तो एडिशन में से इंटीरियर एड्रेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट 2 से हुआ इसलिए नेक्स्ट टाइम इसका रिप्लेसमेंट किससे हुआ स्टार 102 सॉरी 102 1002 के प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ स्टार 1002 का वैल्यू विच इज 2, फाइनली रिप्लेस किया हुआ 2, इसलिए प्रिंट एफ के अंदर नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले क्या हुआ वैल्यू एज 2। अगेन परफॉर्म हुआ आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या हो जाए 2। अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट हुआ आई लेस देन 3 आई का वैल्यू क्या है 2, 2 लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन 2 में फिर से प्रिंट एफ को चांस मिलेगा, प्रिंट एफ में फिर से क्या डिस्प्ले करा वैल्यू ऑफ पी ऑफ आई, लेकिन अब आई का वैल्यू क्या है इसमें 2, रिप्लेस क्या कराएंगे इस केस में जस्ट 2, 2 से एडिशन कराओ इंक्रीमेंट कितने से होगा 4 से, तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा स्टार 1004, स्टार 1004 में वैल्यू क्या है 3, रिप्लेस क्या हुआ 3, तो नेक्स्ट टाइम प्रिंट एप के थ्रू जस्ट रिप्लेस क्या हो रहा 3, इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ मैसेज ऑल्सो 3। नेक्स्ट टाइम अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, देन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्टिंग में आई के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे 3, कंडीशन कम फॉल्स है, देन कंट्रोल बार सेंड होगा, देन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश हो चुका है। इसके एग्जीक्यूशन फिनिश होने के केस में जस्ट डी एलोकेशन किसके लिए होगा मेन एलोंग विद एरे, क्लियर। लेकिन फाइनली इसका आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है 1 2 3, मीन्स इस टाइप से किसी भी फंक्शन से एरे का एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल है।